डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ क्लास प्लस वन फ्रॉम द यूनिट स्टेट्स ऑफ मैटर और हम इस लेक्चर के अंदर आइडियल गैस ला के बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे पहला हम ला ले रहे हैं बुआल जिला बुआल जिला क्या कहता है कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेसर ऑफ गैस और अगर हमने इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखना है तब हम कह सकते हैं कि वी इज़ प्रोपोर्शनल टू वन बाई पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर किसी भी गैस को हम थर्मली डिस्क्राइब कर सकते हैं तीन पैरामीटर्स के द्वारा प्रेसर वॉल्यूम और टेम्परेचर के द्वारा और अगर हमने किन्हीं दो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशनशिप बतानी है तो तीसरे पैरामीटर को हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा अगर वॉल्यूम और प्रेसर के बीच में हम रिलेशनशिप बता रहे हैं तो टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट लिया अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं तो हम प्रेशर को कॉन्सटेंट लेते हैं ये रिलेशनशिप है और इसको अगर हमने एक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है तब क्या करना पड़ेगा एक कॉन्स्टेंट का यूज करना पड़ेगा और के हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज कर दिया तब हम कह सकते हैं कि वी किसके बराबर है के वन बाई पी के बराबर है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और अगर हम इस पी को उठा के बराबर से इधर ले आए तब हम कह सकते हैं कि पी वी किसके बराबर है के के बराबर है और हम बॉयल्स जिला की एक डेफिनेशन और यहाँ से दे सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेसर एंड वॉल्यूम इज़ इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर अब हम बॉयल्स जिला से रिलेटेड एक नूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं नूमेरिकल है कि एन आइडियल गैस बबल एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस हैज ए रेडियस ऑफ वन सेंटीमीटर ऑन द सरफेस ऑफ लेक देन वट विल बी द रेडियस एट द बोटम ऑफ लेक इफ प्रेसर इज़ थ्री एटमोस्फेरिक एंड टेम्परेचर इज ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस एक आइडियल गैस बब्बल है और जब वो सरफेस के ऊपर है उसका रेडियस वन सेंटीमीटर है जब वो बोटम के ऊपर गया तो प्रेसर वहाँ पर इंक्रीज हो गया तीन ऐटमोस्फिर हो गया तब बताना है कि उसका रेडियस कितना होगा तो अगर इस तरह से दो कंडीशन दी हुई हो तब हमने क्या करना है पी वन वी वन बराबर है पी टू वी टू ये इक्वेशन ले लेनी है अगर हम प्रेसर देखें तो स्टार्टिंग में एक एटमोस्फिर है और वॉल्यूम वॉल्यूम क्या है रेडियस ऑफ़ बबल है और रेडियस ऑफ़ बबल किसके बराबर होता है रेडियस ऑफ़ स्फीयर के बराबर होता है तो फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब के बराबर है आर आर कितना दिया हुआ है वन सेंटीमीटर दिया हुआ है इसी तरह से दूसरी कंडीशन ले लेते हैं प्रेशर इंक्रीज हो गया थ्री एटमोसफिर और वॉल्यूम फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब के बराबर हो गया फोर बाई थ्री पाई से फोर बाई थ्री पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर इस तीन को उठा के बराबर से इधर ले आएंगे तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि आर की पावर थ्री किसके बराबर है वन बाई थ्री के बराबर है और यहाँ से आर देखें तो वन बाई रूट थ्री सेंटीमीटर के बराबर है तो ये हमारा आ गया यहाँ पर रेडियस एट द बॉटम ऑफ लेक अब हम बॉयल्स लॉ से रिलेटेड कुछ ग्राफ डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम प्रेशर वॉल्यूम वर्सेज प्रेशर ग्राफ डिस्कस करें और ये ग्राफ हमने पीवी इक्वल है कॉन्स्टेंट इस रिलेशनशिप से ड्रॉ किया है तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ देखें तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है और पैरेलल आता है एक्स एक्सिस के इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर और जो ये है ये गैप यहाँ पर इस गैप को हम इंटरसेप्ट बोलेंगे जो किसके बराबर है के के बराबर है अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं हम वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर ग्राफ ड्रो करें यहाँ पर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर ग्राफ अगर हम ड्रो करें तो इस तरह से हाइपरबोला टाइप ग्राफ आता है हमारा यहाँ पर तीसरी कंडीशन है कि प्रेशर वर्सेस वन बाई वी ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा जो ग्राफ आता है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ पास होता है ओरिजन में से इस तरह से यहाँ पर ओ ओरिजन है और इसमें से पास होगा ये हमारे बॉयल्स लास्ट से रिलेटेड कुछ ग्राफ थे अब हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स ला डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे पास ये रिलेशनशिप है कि वी इज़ प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेसर इस रिलेशनशिप को हम वेरीफाई कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं इस तरह से एक अप्रेटर्स ले लेते हैं जिसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है और एक मैनोमीटर जुड़ा हुआ है हमने एक गैस फिल कर ली और इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया प्रेसर हमने अप्लाई किया 200 हंड्रेड एम एम ऑफ एच जी तो हमने देखा कि जो वॉल्यूम है वो कितना है 500 हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूबिक है फिर हमने क्या किया प्रेसर को डबल कर दिया प्रेसर को डबल किया तो रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग वॉल्यूम कितना होना चाहिए हाफ होना चाहिए और वही हमने यहाँ पर देखा कि प्रेसर को डबल करने पर वॉल्यूम कितना हो गया 250 सेंटीमीटर क्यूबिक पहले कितना था फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूबिक था अब कितना है टू फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूबिक है मतलब कितना हो गया हाफ हो गया अगर हम प्रेसर को फोर टाइम कर देते हैं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा वन फोर्थ हो जाएगा अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स जला डिस्कस करने जा रहे हैं बॉयल चला का सिग्निफिकेंस है कि गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं जैसा कि हमने अभी देखा था कि प्रेसर अप्लाई किया प्रेसर अप्लाई किया तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया मतलब गैस कंप्रेस हो गई वहाँ पर और जितनी ज़्यादा कंप्रेस करेंगे हम एक गैस को उतनी ही वो गैस ज़्यादा डेंसर हो जाएगी एक रिलेशनशिप और है यहाँ पर कि जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के और कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और ये रिलेशनशिप एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस के लिए एप्लीकेबल होती है अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला देखें तो डी किसके बराबर है मास बाय वॉल्यूम के बराबर है अगर बॉयल्स ला के अकॉर्डिंग देखें तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेसर एंड वॉल्यूम किसके बराबर है कांस्टेंट के बराबर है अगर यहाँ से वी निकालें तो इस पी को उठा के इधर लेके जाएंगे हम वी की वैल्यू आ गई K बाई पी इस वी की वैल्यू को डेंसिटी के फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं हम और यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस पी को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तब कह सकते हैं कि m बाई के इन टू पी हो गया m बाई के को हम कह सकते हैं कि ये एक अनदर कॉन्स्टेंट k डैस के बराबर है यहाँ पर और यहाँ से हमारी रिलेशनशिप आ गई कि जो डेंसिटी है वो प्रेसर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अगर प्रेसर को इंक्रीज करेंगे डेंसिटी इंक्रीज होगी प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे डेंसिटी डिक्रीज़ होगी बोआइल जना का एक सिग्निफिकेंस है कि इसका यूज हाई एटीट्यूड की जो ऊंचाई होती हैं उनके ऊपर होता है देखो कैसे होता है जब हम सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये रिलेशनशिप आ गई हमारी यहाँ से कि जो एयर है वो लेस डेंसर होती जाएगी अब जो ऊंचाई वाले स्थान हैं वहाँ पर एयर कम डेंसर है तो जो लोग वहाँ पर रहते हैं जब वो रेस्पिरेशन करेंगे तो उनको लेस ऑक्सीजन अवेलेबल होगी और जब वो ब्रीथिंग करेंगे तो उनकी बॉडी के अंदर कम ऑक्सीजन जाएगी जिसके कारण वो पर्सन अनइजीनेस अन फील करने लग जाते हैं उन्हें हेडेक होने लग जाता है और इसके कारण उनके अंदर एक डिजीज होती है जिसे हम एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं और इसे हम एनोग्जिया भी बोलते हैं और इसी के कारण जो माउंटेनर्स होते हैं जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं वो क्या करते हैं अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं क्योंकि ऊंचाइयों के ऊपर क्या होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसके कारण लेस ऑक्सीजन उनको अवेलेबल होती है ये था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ज ला थैंक यू